चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता काम उपभोग एतावदिति निश्चिता नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है श्लोके भगवद गीता के सोलहवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है चिंताम परिमेयाम च अर्थात असीमित चिंताएँ और प्रलय अंताम उपाश्रिता अर्थात अंत में मृत्यु में आश्रित काम उपभोग परमा अर्थात कामनाओं के भोगों को परम एतादवदिति निश्चिता अर्थात ऐसा मानते हैं यहाँ निश्चित रूप से तो इस श्लोक से और अगले पांच श्लोकों में श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका एक जीवंत विवरण प्रदान करेंगे कि वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और वो किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं किस कामना से वो प्रेरित होकर के अपने कार्य करते हैं किस विचार से प्रेरित होकर के वो अपना कार्य करते हैं तो इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो श्री कृष्ण कहेंगे उसको देख करके अधिकांश लोग सीधे सीधे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम सभी लोग कुछ स्तर तक जो है अपना जीवन एक आसुरी प्रवृत्ति में ही व्यतीत करते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वह असीमित चिंताओं में अपना जीवन यापन करते हैं ये सोच करके कि मृत्यु जो है वह ही अंत है हमारा और इस प्रकार से वह अपनी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति को ही जो है अपना सर्वोच्च लक्ष्य मान करके अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे जो है वह इस जीवन में बहुत सारी चिंताओं को झेलते हैं तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि देखिए आसुरी व्यक्ति जो होते हैं वह स्वयं को अपना शरीर मानते हैं ये तो हमने पिछले श्लोकों में भी समझा और क्योंकि वह अब स्वयं को अपना शरीर मानते हैं तो फिर उनको यही लगता है कि मृत्यु जो है वह ही हमारा अंत है अब मृत्यु यदि हमारा अंत है तो इसका अर्थ यह है कि हम इस संसार में केवल सीमित समय के लिए हैं केवल थोड़े से समय के लिए हैं फिर हम इस संसार में रहेंगे ही नहीं हमारा जो अस्तित्व है वह ही नष्ट हो जाएगा तो जब वह इस प्रकार से मानेंगे तो वो क्या सोचेंगे वो यही सोचेंगे कि अच्छा ये थोड़ा सा समय मेरे पास में इसमें मैं जितना हो सके उतना मजा लूँ उतना आनंद लूँ मैं तो इसलिए फिर वो यही सोचने लगते हैं कि मेरे को अपने जीवन में जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है मेरे पास सीमित समय है और इस सीमित समय में मुझे अपनी जितनी कामनाएं हो सकें उतनी पूरी करनी है और जब वह इस प्रकार से सोचेंगे तो वह धीर्य धैर्य नहीं रख पाते हैं वह ऐसे अपने साथ में धीरज नहीं रखते शांत नहीं होते बार 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 जो है यही सोचते हैं कि मैं कुछ कामना पूरी कर लूँ कुछ कामना पूरी कर लूँ कि मेरे पास मेरे पास सीमित समय है तो क्योंकि उनके भीतर धीरज नहीं होता तो इस कारण से वो अपने भीतर नहीं देख पाते वह केवल अपने बाहरी संसार में देखते हैं और बाहरी संसार में जो भी उनको दिखता है वह बस उसी की प्राप्ति में लग जाते हैं सोचते नहीं हैं क्योंकि धैर्य नहीं है अब वो अपने चारों लोगों को देखते हैं लोग जो है वह जिसके पीछे जा रहे हैं वह भी उन्हीं के पीछे जाने लगते हैं तो इस प्रकार से जो है वह अपनी कामनाओं की पूर्ति में बहुत सारे ऐसे विकर्षणों में फंस जाते हैं कि ये मैं प्राप्त कर लूँ वो प्राप्त कर लूँ ये खा लूँ वहाँ पर मजा ले लूँ इधर मजा ले लूँ इस प्रकार से सोचने लगते हैं तो जब वो इस प्रकार से अपने बाहर आनंद को ढूंढते हैं अपने भीतर आनंद को नहीं ढूंढ ढूंढते तो फिर जो है वह ऐसे ही चिंताओं में फंस जाते हैं क्योंकि बाहरी संसार जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो क्योंकि वह हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इसलिए फिर चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि अरे मैं इसको कैसे भोगूंगा उसको कैसे भोगूंगा वैसे तो जो है आप वेकेशन पे जा रहे हैं किंतु वेकेशन पे जाते हुए आप बोलेंगे कि मैं ये देखूं मैं ये देखूं मैं ये देखूं और फिर जब वो नहीं हो पाता है जब आपकी समस्याएँ बीच में उत्पन्न होती हैं तो फिर चिंताएँ उत्पन्न होने लगती हैं तो जब आप अपने स्वयं से बाहर जो आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो तब फिर चिंताएं उत्पन्न होती हैं तो इस प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपरिमीय चिंताओं में, में फंस जाते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा मैं ये कैसे करूंगा वो कैसे करूंगा और चिंताओं में ऐसे फंस करके जो है जीवन को वह अपने को दुखी कर लेते हैं तो ये सब जो चिंताएँ उत्पन्न होती हैं जो अधीरता उत्पन्न हो, उत्पन हो रही है जो चिंता उत्पन्न हो रही है वह इस कारण से उत्पन्न हो रही है क्योंकि भाई ये सोचते हैं कि वह उनका शरीर है और मृत्यु ही अंत है जब उनका मृत्युवंत है तो उनके पास बहुत ही सीमित समय है जिसमें कि वह इन सबको भोग पाएंगे तो इसलिए चिंता उत्पन्न हो जाती है और चिंता उत्पन्न होती है तो धीरे धैर्य जो होता है वह समाप्त होता है धीरज नहीं रहता और फिर हमने तो समझाई था पिछले श्लोक में कि बिना धीरज के जो है ऐसे लोग स्वार्थी कार्य करने लगते हैं स्वार्थी कार्य करके संसार को दुख देते हैं तो यही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्ते